बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद, और आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र पे, खाद पे, किस तरह जो है ना उसकी प्राइजेज जो है ना हाई हो रही हैं, और हम इसको किस तरह जो है ना अपनी फसल के लिए जो है ना मैनेज कर सकते हैं कि हमारा जो जिसकी जो रिसोर्स हैं उस हिसाब से जो है ना अगर हम मैनेज करें तो हम जो है ना थोड़ा सा ख़र्चा हमारा जो हाई एक्सपेंस जाना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर यूरिया की बात की जाए तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन कोई 10-12 दिन हुए, तो उस टाइम जो है ना यूरिया की जो प्राइस थी वो तकरीबन 3000, 3250 इस तरह मिल रही थी, 3100 में मिल रही थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो तकरीबन कोई 3750, 3800, 4000 तक भी जो है ना कुछ मार्केट्स में या थोड़े जो छोटे अड्डे टाइप की मार्केट्स हैं उसमें जो है ना ये 4000 तक भी खाद मिल रही है। और इसी तरह डीएपी जो है वो भी तकरीबन 8800 से सीधा 11000 पे चली गई है, और नेट्रोफास की बात की जाए तो वो 4500-4600 से तकरीबन वो 6000 तक जो है ना चली गई है। और इससे जो है ना हमारा जो किसान है वो जो है ना बड़ा मुतासर होता है, क्योंकि इस तरह इतना ज़्यादा हाई रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से परेशानी होती है। तो इसको इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक एक्सपेंसिव वो है फर्टिलाइज़र खाद, चाहे यूरिया ले लें या डीएपी या आप नेट्रो, इसमें आप ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको थोड़ी सी अपने रिसोर्स के हिसाब से यूरिया को अगर आप मैनेज करें जिस तरह भी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह की हमारी मार्केट है अपने पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो वो थोड़ी इस तरह की है कि फिर ये ब्लैक में बिकती है या फिर शॉर्ट हो जाती है, जिससे फिर हमारी अगर क्रॉप को उस टाइम यूरिया फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए तो फिर हमें अरेंज करने में जो है ना दुश्वारी होती है। अगर जो जिसके पास अगर कुछ रिसोर्स हैं तो वो यूरिया को कम अज़ कम जो है ना अपनी फसल के हिसाब से जितना उसके एकड़ेज हैं उस हिसाब जो है ना वो मैनेज करे, और वो कोशिश करे जिस हिसाब से भी आप मिल रही हो उसको ले कर रखे, ताकि जो है ना वो आगे उसको परेशानी ना बने। ज़्यादातर यूरिया की शार्टेज भी होती है और ज़्यादातर ब्लैक में जो है ना यूरिया ही बिकती है, तो कोशिश करें यूरिया, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस आता है वो भी थोड़ा कम है। 3600-3700 में अगर बोरी मिल रही है तो वो आप लेके कुछ बोरी अपने एकड़ एज के हिसाब से रख लें, ताकि जो है ना आगे जो है ना परेशानी ना बने। थैंक यू।